हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिज़ाइंस बाय नितिन। और मैं हूं आपका अपना इंटीरियर डिज़ाइनर राम गोसावी नितिन। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इंटीरियर के बारे में कुछ बात नहीं करूंगा। आज मैं बात करूंगा अपने एक्सटीरियर के सेफ्टी के बारे में। आपने देखा होगा आजकल का जो ये नया जो कंस्ट्रक्शन का ट्रेंड चल रहा है ना, उसके अंदर जो बाहर के हम लोग जो पहले MS फैब्रिकेटेड ग्रिल लगाते थे, वो लगाने के लिए परमिशन नहीं दी जाती। चाहे आपके बालकनीज हो, टेक्स हो, या तो फिर ओपन विंडोज़ हो, उसमें आपका MS जो विंडो फैब्रिकेटेड आता था पहले, वो आप नहीं लगा सकते। बहुत सारे सोसाइटीज़ में और काफ़ी जगह पे ये रिस्ट्रिक्टेड हो रहा है। इसके पीछे का रीज़न ये है कि अभी जो मल्टी फ्लोर टॉवर्स बन रहे हैं ना, उसमें अगर आप MS फैब्रिकेटेड ग्रिल्स अगर लगाते हो तो फ्रंट एलिवेशन बहुत मेजी लगने लगता है, और लगता भी है। आप देख लीजिए कहीं पे भी, क्योंकि अपना जो MS फैब्रिकेटेड जो ग्रिल रहता है वो स्टड और प्लेट से बनता है, तो उसके वजह से जो व्यू है ना वो ख़राब हो जाता है। अंदर से बाहर देखने का व्यू भी और बाहर से अंदर देखने का व्यू भी। तो इसीलिए बहुत सारी जगह पे अभी आप ये ग्रिल्स नहीं लगा सकते, सेफ्टी ग्रिल्स नहीं लगा सकते। तो ये ओपन बालकनीज, डेक्स और ओपन विंडोज़ के सेफ्टी का क्या किया जाए, तो इसका उपाय भी है। इसका उपाय है, अरे ये नहीं, इसका उपाय है, ये है इनविजिबल ग्रिल्स। अभी इनविजिबल ग्रिल्स बोलूं तो आपके दिमाग में वो अनिल कपूर साहब का जो मिस्ट्री इंडिया है, जिसमें वो कुछ ब्रेसलेट पहन लेते और गायब हो जाते, ये ऐसा इनविजिबल नहीं है। ये इनविजिबल इसके लिए है क्योंकि इसका जो थिकनेस है ना, ये 2 mm, 2.5 mm और 3 mm इतना रहता है। तो क्या होता है, ये लगने के बाद भी ये जब ये लगाते ऊपर और नीचे ट्रैक में एक 2 inch का डिस्टेंस लेके, तो उसमें अंदर से बाहर का व्यू और बाहर से अंदर का व्यू, ये दोनों क्लियर रहते हैं। इसी के लिए इस प्रोडक्ट को इनविजिबल ग्रिल कहा जाता है। ये इनविजिबल ग्रिल में ये जो वायर यूज़ होता है, ये होता है 316 स्टेनलेस स्टील। ये वेदर एंड वाटर रेजिस्टेंट रहता है। 316 का अगर मैं आपको इसकी मजबूती का अगर मैं उदाहरण दे पाऊँ आपको, तो इसके ज़्यादा डिस्क्रिप्शन में मैं नहीं पढ़ूंगा, 100 बात की एक बात कहूँगा। ये जो मटेरियल है, ये जो 316 जो मटेरियल है, ये वहाँ पे यूज़ होता है। देखिए, अपने जो जेट फाइटर प्लेन्स रहते हैं ना, उसके जो पार्ट्स बनते हैं ना, ये स्टील से बनते हैं, 316 से। तो आपको समझ में आया रहेगा कि इसकी मजबूती कितनी रहेगी। तो ये 316 स्ट्रांग मटेरियल रहता है और ये सेफ्टी ग्रिल के लिए यूज़ किया जाता है। अभी मैं आपको इसका एक इंस्टॉलेशन डेमो दिखाता हूँ। अभी हम लोग 18 फ्लोर पे है और दिखाता हूँ आपको ये किस तरीके से लगता है, किस तरीके से इसका इसे अप्लाई किया जाता है, और इसका जो कितना स्ट्रांग है ये भी मैं आपको अभी यहाँ पे दिखाता हूँ। हम पहुंच गए छज्जे पे। तो अभी हम इस 18 फ्लोर के छज्जे पे, ये मेरा टीम है, ये जो इनविजिबल ग्रिल का काम करता है। देखिए, इन्होंने हार्नेस वगैरह सारा सेफ्टी प्रिकॉशंस ले लिया है, क्योंकि इसमें सेफ्टी का बहुत ध्यान रखना बहुत ज़रूरी, बहुत माने बहुत ज़रूरी चीज़ है। अभी मैं आपको इसके मटेरियल का एक इंट्रो देता हूँ। देखिए, ये ग्रिल, ये जो स्ट्रिंग्स है, ये ऊपर से लेके नीचे तक दो ट्रैक में बांधे गए हैं। देखिए, ये नीचे ट्रैक लगा हुआ है, इसमें से हर एक जो केबल है वो घूम के ऊपर और ऊपर से नीचे आ रही है। जो मैं आपको बता रहा था वही है वो 316 SS। पहले एक नीचे वाला ट्रैक लगाया जाता है कंप्लीट, और इसके बाद ऐसा ही सेम ट्रैक ऊपर लगाया जाता है।
अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं, सेम इसके बीच का जो डिस्टेंस है, ये देखिए इसके बीच का, दो केबल्स के बीच का जो डिस्टेंस है ना, ये 2 inches है। ये देखिए इस तरीके से ये केबल इसके अंदर फंसाया जाता है और फिर नीचे वाले ट्रैक में पहले फंसाया, अभी ये ऊपर वाले ट्रैक में फंस गया। फिर से ये नीचे आ गया। इस तरीके से ये पूरा वर्क स्टार्ट टू एंड कंप्लीट किया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये इनविजिबल ग्रिल पूरी लगाई जाती है। मैं आपको दिखाता हूँ आगे जाके, देखिए पूरा वहाँ से आया हुआ है और पूरा एंड तक जाएगा। अपना फाइनल प्रोडक्ट, ठीक। इसमें ये एक हॉरिजॉन्टल वायर भी आ गई है, यहाँ पे एक नीचे और एक ऊपर, इस वजह से इसकी मजबूती और स्ट्रांग हो गई है। तो अभी आपको दिखाते हैं इसकी मजबूती। बहुत मजबूत है। अब बात करते हैं इसके कॉस्टिंग के बारे में। देखिए इसका जो कॉस्टिंग है ना, वो 3 चीज़ों पे डिपेंड है। नंबर 1, आप किस कंपनी से ये काम करा के ले रहे हैं, माने उसका उस कंपनी का इसमें एक्सपीरियंस कितना है, नंबर 1 ये हो गया। नंबर 2, आप ये जो इसमें 316 का केबल, SS का जो केबल हम लोग यूज़ कर रहे हैं, वायर यूज़ कर रहे हैं, उसका थिकनेस आप कितना ले रहे हो। यहाँ पर हम लोगों ने 3 mm का लिया है, लेकिन आप 2 mm का भी मिलता है उसमें, 2.5 mm का भी मिलता है। इसके बाद तीसरा जो पॉइंट आता है, ये जो डिस्टेंस है, ये दो स्ट्रिंग्स के बीच का, दो वायर के बीच का जो डिस्टेंस है ना, ये यहाँ पे हम लोग ने ये 2 inch रखा हुआ है, लेकिन ये 3 inch भी रख सकते हैं। तो ये 3 चीज़ों पे, एक तो कौन सा कंपनी, एक तो दूसरा 316 का थिकनेस, और तीसरा 2 wires के बीच का डिस्टेंस, इसके ऊपर इसका कॉस्ट डिपेंड है। और इन्हें एवरेज देखा जाए तो मैक्सिमम 200 से लेके आपको ये 160 तक भी मिल जाता है। अभी आप क्या मटेरियल इसमें ले रहे हो उसके ऊपर ये डिपेंड है। ये कॉस्टिंग जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, वो पर स्क्वायर फीट कॉस्टिंग है। तो अभी आपने देखा हम लोग ये इनविजिबल ग्रिल किस तरीके से इंस्टॉल करते हैं। आज के ट्रेंड में ये बहुत चलने वाली चीज़ है, सेफ्टी भी है। और देखिए अगर जब भी आप ये, और एक मैं आपको बात बताता हूँ, जब भी आप ये 2 inches के नज़दीक पे लगाते हो, एक स्ट्रिंग और दूसरी स्ट्रिंग इसके बीच में जब भी 2 inch का जो अगर आप गैप रखते हो, तो अभी आपको मालूम है सिटीज़ में पिजन्स का बहुत प्रॉब्लम है यार। पिजन्स हर जगह, कहीं पे भी आपका एक बार विंडो खुला है तो पिजन्स अंदर घुस जाते। तो ये 2 inch का अगर आप गैप रख रहे हो दो स्ट्रिंग्स के बीच में, तो आपका पिजन का भी ये जो प्रॉब्लम है वो थोड़ा कम हो जाएगा। ये इनविजिबल ग्रिल अपने बच्चों के सेफ्टी के लिए भी एक बेहतरीन ऑप्शन है। सिर्फ मेरा एक ही सजेशन है, जब भी आप ये इनविजिबल ग्रिल का काम अपने घर पर करा के लेने वाले हो,
तभी आप किसी रेप्यूटेड कंपनी से या तो जिनको इनका इस काम का एक्सपीरियंस है ऐसे कंपनी से आप ये काम करा के ले लीजिए, बिकॉज ये थोड़ा सा रिस्की काम है, थोड़ा एक्सटीरियर काम होने के वजह से ये आपके लिए भी सेफ रहेगा और उसके लिए भी सेफ रहेगा जो ये काम कर रहा है। तो बस इसी के साथ हम लोग यहीं पर रुकते हैं। अगर इस टॉपिक के बारे में, इस इनविजिबल ग्रिल के बारे में आपको कुछ, आपके दिल में कुछ शंका है, कुछ क्वेश्चन है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं उसका जवाब दूंगा। और बस आज के लिए यहीं पर रुकते हैं, आज के लिए यहीं पर करता हूँ आपको बाय बाय। अगर मेरा सेगमेंट आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। एंड बस अभी के लिए थैंक्स फॉर योर टाइम।